हेलो गाइस गाइस, आज आप सभी को मैं वॉल के मटेरियल के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट पे यूज़ हो रहा है। किस टाइप के मटेरियल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्या क्या मटेरियल कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं ये मटेरियल है, जिसमें ये देख सकते हैं इधर से भी होल है और इधर से भी होल इसमें प्रोवाइड किया गया है। ये मटेरियल यूज़ हो रहा है वॉल के लिए, जो कि साइड स्लाइडिंग के लिए यूज़ होता है। और ये सारा मटेरियल आप देख सकते हैं, ये खरीदते हैं, ये गेम मटेरियल है, पुराना मटेरियल है, इस मटेरियल का यूज हो रहा है। और ये बीच में ये जो है होल्स दिए गए हैं, जिसमें अल्टरनेट हम लोग स्टील डालेंगे। और किस तरीके की मटेरियल है ये आप सभी को दिखाते हैं। ये मटेरियल है साइड का, जो हमने आपको दिखाया, इसमें इसको ऐसे मल्टीपली फंसा दिया जा रहा है, फंसा करके और फिर उस पर से ही ऐसे लगा दिया जाएगा, तो ये पूरा जो है वॉल कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है पूरा सरफेस, फ्लेस सरफेस, यहाँ पर इसको इसमें फंसा दिया जाएगा और फिर इधर से इसको लगा दिया जाएगा, तो दोनों कवर हो जाएगा। और उसके बाद इसके बीच में जो है कंक्रीट को फिल कर दिया जाएगा। ये जो है कॉर्नर फंसाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइडिंग करके इसके कॉर्नर को फंसाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ताकि उसमें पानी भर गया है क्योंकि बारिश काफ़ी हुआ है, उसको साइड से स्लाइड करके एक दूसरे से जॉइंट करते हुए हम लोग जाते हैं। तो ये सारा मटेरियल आप लोग देख पा रहे हैं सब स्टोर हुआ है यहाँ पे। और इसको यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से जॉइंट किया जाता है, इसकी जॉइंटिंग किस तरीके से किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये एक वॉल है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें देख सकते हैं आप, ये यहाँ से दिखाइए, ये देखिए खाँचा बना हुआ है और इसमें ये देखिए ये बना हुआ है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, ये ऐसे फिक्स हो जाएगा। अगला फिर हम इसको फंसाएंगे इस तरीके से, इसको काफ़ी तेज़ी से हम लोग इसको लगा सकते हैं, जिससे कि ये काम काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। उसके बाद हम ऊपर में देखते हैं अल्टरनेट वर्टिकल स्टील डालते हैं, इधर में देखते हैं अल्टरनेट स्टील डाल के बांध देंगे, उसके बाद ऊपर से कंक्रीट भी कर देंगे, इसकी कास्टिंग कर देंगे। ये पूरी तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कास्टिंग के बाद में इसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा मिलेगा, ब्रिक वॉल से अच्छा स्टिक का स्ट्रेंथ मिलेगा हमको। तो ये मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहा है और ये सब मटेरियल ये देख सकते हैं अलग अलग पोर्शन पे यूज किए जाते हैं सारे, जो कि यहाँ पे आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉल को डिजाइन किया जा रहा है। ये देखिए ये मशीन जो हमने आपको दिखाया कि बीच में ये रखा है, ये दोनों सरफेस आपको देख रहे हैं, साइड की सरफेस है, ये दोनों सरफेस के बीच में आप देख रहे हैं इस लाइन दी गई है, इसमें इसको हम लोग फंसा देंगे, इसको ये काफ़ी जो है आराम से फिक्स हो जाता है, देख सकते हैं अभी छोटे छोटे स्लाइडर्स इनका भी यूज किया जा रहा है कॉर्नर्स पे, देख सकते हैं लोग सारे मटेरियल हैं जिनका यूज किया जा रहा है। ये देखिए ब्लॉक वाइज यहाँ मटेरियल स्टोर हो चुके हैं, जैसे आपके हम दिखाते हैं आपको कि किस ब्लॉक में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक डी के लिए ये मटेरियल आ चुका है, इसका यूज ब्लॉक डी में होने वाला है, ब्लॉक डी थर्ड फ्लोर के लिए मटेरियल है, थर्ड फ्लोर पर ये यूज होगा। तो फ्लोर वाइज मटेरियल जो है स्टोर हो इंस्टॉल कर लिया गया है इसको,
और इसको फिक्स करने का काम जल्दी शुरू हुआ, चूँकि आज बारिश हो गया है तो बारिश की वजह से काम थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम लोग ग्रेट स्लैब की कास्टिंग कर लिए हैं, ग्रेट स्लैब की कास्टिंग कर लेंगे, उसके बाद स्लैब की कास्टिंग करेंगे, उसके बाद देन हम लोग वॉल की फिक्सिंग शुरू कर देंगे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी वही मटेरियल है, काफ़ी हैवी है ये, काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। और ये हमने आपको जो बताया था देखिए सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आके दिखाइए थोड़ा पास में आ जाइए, यहाँ से देख सकते हैं जो भी हम आपको दिखा रहे थे, इसमें देखिए सिलेंडर बने हुए हैं और इसमें लगे हुए हैं, इनको हम ऐसे फिक्स कर देते हैं, ये इंस्टॉल हो जाता है पूरा फिक्स एकदम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इस तरीके का मटेरियल है यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है लाइट हाउस प्रोजेक्ट में। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे डेली अपडेट आपको हम देते रहेंगे इस चैनल पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।